हाँ तो गाइज मैं उनके तो आप देख रहे ई एक्स पी अनी डेफिनेटली। तो गाइज मेरे हाथ में है चक्री, दिवाली का सबसे मनपसंद पटाखा जो आप सबने एक ना एक बार तो जलाया ही होगा। पर गाइज आज हम इसे जलाने वाले हैं एक डिश के अंदर, ये छोटी सी डिश है स्टील की, इसके अंदर हम इसको जलाएंगे और फिर देखेंगे कि चक्री में कितना दम है, ठीक है, ये इसको मेल्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। तो स्टार्ट। यार गाइस आपको पता है स्टील का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 1500 से 2000 के बीच में। और गाइस इसने इतने मोटे स्टील को भी मेल्ट करने की कोशिश की, तो गाइस मेरे दिमाग में थोड़ा सा हटके का आइडिया आया, तो मैंने क्या किया चक्री को खोल दिया। अभी हम एक ही जगह पे चक्री को जला के देखेंगे कि क्या ये मेल्ट होता है या नहीं होता। गाइस ये तो एकदम भट्टी से निकाले लोहे जैसा गर्म है, अभी हम इसे छू तो नहीं सकते। मैं माचिस की तिल्ली से इसको हटाता हूँ, देखता हूँ। और ये क्या माचिस की तिल्ली इसमें स्पार्क कर रही है वो। और गाइस इसने हमारी माचिस की तिल्ली को ही जला डाला, तो गाइस आप सोच सकते हैं अभी कितना गर्म होगा। तो गाइस इसने हमारे डिश की हालत बद से बदतर कर दी है। अभी देखो अब इसने अंदर से भी इसको जो है इफेक्ट किया है, तो अभी मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ। तो गाइस अब देखो इसमें जो हमने साइड और जो बीच में किया था इसका इफेक्ट अभी दिख रहा है। और गाइस अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दबाओ, उस पर चक्री लगाओ, कुछ भी लगाओ उसको दबाओ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।